बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्लास 7, वी विल डू चैप्टर 8 परसेंटेज एक्सरसाइज 8.1 एंड पेज नंबर 126। डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। अ परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन एक्सप्रेस्ड विद 100 एज इट्स डिनोमिनेटर एंड 100% एज न्यूमिनेटर। एग्जाम्पल गिवन है, आपको 25% दिया हुआ है, तो सिंबल को इस 25 के साथ सिंबल लगा हुआ है परसेंटेज का, इसको जब रिमूव करते हैं तो डिवाइड में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो ये आपके फ्रैक्शन में हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई 25/100 है, ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको परसेंटेज में लेकर आना है। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, 25% आ गया। फार्मूले इज गिवन, पी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 एंड ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन आर, एंड आर इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन ए फॉर अमाउंट हो गया एंड आर फॉर रेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 12% ऑफ 125 एप्पल्स। डेटा इज गिवन, आर इज इक्वल टू 12%। जब परसेंटेज सिंबल लिखा हुआ हो तो वो रेट कहलाता है और आर हो जाएगा। ए क्या है आपका, 125 एप्पल्स हैं एंड पी मालूम करना है। फॉर्मूला है, पी मालूम करना है, तो इस पूछा 12% पे कितने एप्पल्स होंगे। तो आपने p इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 लिखा और p इज इक्वल टू वन, ए आपको क्या है 125 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100। आप 5 के टेबल से आप कैंसिल कर लीजिए, 5 2 10 और 2 उसको या 5 को, तो 25 होगा, 5 5 25 और 100 को 5 के टेबल से कैंसिल कीजिए, 5 2 10 0, 5 4 फिर अगेन 5 से कैंसिल किया, 5 4 20, 5 5 25। अब रिमाइंडर में आपका नीचे 4 रह गया, ऊपर 12 है, तो 4 1 4 4 3 12। अब आपका आंसर आया है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 एप्पल्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, अ हॉकर बॉट सम एग्स, 12% ऑफ विच वर ब्रोकन। इफ देयर वर 18 ब्रोकन एग्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्स। एक हॉकर है, वो ठेले वाला है, जो कुछ एग्स खरीद, उसने कुछ एग्स खरीदे, 12% जो थे वो टूट गए अंडे। अब उसमें से 18 जो हैं, अगर 18 अंडे टूटे हुए हैं तो बोटा टोटल नंबर ऑफ एग्स जितने हैं, तो डेटा है आपका आर 12%, पी जो है 18 एग्स हो गए और आपको ए मालूम करना है। ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन आर, ए इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 12, 6 के टेबल से कैंसिल के 6 2 6 3 18, फिर 2 1 2 2 5 10 एंड 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 150 एक्स आ गया। आपके टोटल एक्स जो हैं वो 150 एक्स निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट परसेंट ऑफ रुपीज 6000 इज रुपीज 150। डेटा आपको दिया हुआ है, आर मालूम करना है, ए आपको 6000 दिया हुआ है, पी 150 दिया हुआ है। दो वैल्यूज अगर दी हुई हों तो उसमें से जो ग्रेटर बड़ी वाली वैल्यू होगी वो ए होगी और जो कम वाली वैल्यू होगी वो पी होगी। आपने फार्मूले में अप्लाई कर लिया, आर का फार्मूला लगा के, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 6000, तो 6000 के नीचे की दो जीरो जो है वो 100 से कैंसिल हो गए, ऊपर इस साइड जो है 150 को 60 से के जीरो से कैंसिल कर दिया और फिर हमने इसको 3 के टेबल से कैंसिल कर दिया, 3 5 15 3 2 6, 5 2 को डिवाइड किया था हमारा 2.5% आ गया। लुबना गेव 3.8 ऑफ हर सैलरी टू अ चैरिटी फंड, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर सैलरी डेट शी गेव टू चैरिटी फंड। लुबना ने अपनी सैलरी में से 3.8 जो है वो चैरिटी फंड में दिया, तो व्हाट परसेंट परसेंटेज, हमें परसेंटेज निकालनी है, अपनी सैलरी में से कितना चैरिटी फंड में दिया। तो आपने पी इजिकल टू 3 3/8 में फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई, जो कम वाली वैल्यू जो होगी वो पी होगा, जो ज़्यादा वाली वैल्यू जो होगी वो ए होगा। तो आपका क्या आ गया, आर मालूम करना है, तो आर इक्वल पी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन ए और वैल्यू पुट कर दिए फॉर्मूले के अंदर, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 8। अब 2 4 8, 2 5 10 से कैंसिल किया और जीरो पर आ गया और 2 2 4 2 2 4, 1 इसको दिया और 2 5 10, तो आपका आया है 3 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई किया 75 डिवाइड बाय 2। अब 75 डिवाइड बाय 2 को डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 37.5%। रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू डू, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 126 इन अर्थमेटिक कॉपी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।